ये जो भवन आप देख रहे हैं ये कोई हेरिटेज भवन नहीं है और ना ही किसी राजा का भवन, बल्कि यह है तृतीय वृत्त लोक निर्माण विभाग का कार्यालय, जिस पर शहर के विकास का जिम्मा है। ये विभाग बड़ी बड़ी सरकारी भवनों और सड़कों का निर्माण करवाता है, लेकिन इस विभाग का खुद का कार्यालय सोलन के सबसे पुराने भवन में चल रहा है। ये भवन बिल्कुल जंजर हालत में है। भवन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, दीवारें ढहने को तैयार हैं, लेकिन जुगाड़ तंत्र के सहारे इस भवन को किसी तरह उपयोग में लाया जा रहा है। लोहे के गार्डरों का सहारा देकर दीवारों को किसी तरह से ढहने से बचाया जा रहा है। ऑफिस के अंदर कर्मचारी हर वक्त डरे सहमे कार्य करने को मजबूर हैं। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशंसी अभियंता एसपी जगोटा ने बताया कि उनका भवन बिल्कुल जंजर हालत में है। इसके बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों को और उपायुक्त सोलन को अवगत करवा दिया है और उपायुक्त सोलन से भवन की ओर जमीन मांगने की मांग की गई है, ताकि कार्यालय को जल्द से जल्द यहां से शिफ्ट करवा सकें। उन्होंने कहा कि 1971 में उनके विभाग के पास अपना भवन होता था, लेकिन वह किसी अन्य विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था। आज उन्हें अपने कार्यालय के लिए भवन की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक उनकी मांग लंबित पड़ी हुई है। ये ठीक है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसमें अब क्रैक्स और दरारें भी आ चुकी हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने डीसी साहब से अलग एकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट की है और साथ में सर्कल ऑफिस के लिए नई बिल्डिंग बनाने के लिए हमने अलग से जमीन का भी रिक्वेस्ट की है। दोनों ही उनके पास पेंडिंग है। जैसे ही उनसे कुछ मिलता है तो हम अकॉर्डिंगली यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सच है कि बिल्डिंग में क्रैक्स और दरारें आ चुकी हैं। उस हिसाब से अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि एकदम से कुछ गिरने का कुछ ऐसा है। जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम ले रहे हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ उसकी रिपेयर टाइम टू टाइम कर रहे हैं। लेकिन जितना जल्दी हमें नई साइट और जगह जमीन मिल जाती है तो हम चाहेंगे कि हम नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी शुरू करें।